अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। ये है हमारी सासनी की मॉर्निंग। हम लोग नाइट स्टे कर चुके थे, यहाँ पर सो कर चुके थे। अगले दिन सुबह उठे तो यहाँ पर हमारा नाश्ता तैयार हो रहा है। नाश्ते में है बॉयल अंडे, ब्रेड, चाय और बच्चों के लिए दूध और नमकीन, बिस्किट, केक, पापे, ये सब था नाश्ते में। तो फिर उसके साथ साथ बुलबुल लंच की भी तैयारी जल्दी जल्दी कर रही थी, तो उसने कहा कि यहाँ पर लंच लोग जल्दी कर लेते हैं। मैंने कहा बस हल्का फुल्का करना, ज़्यादा नहीं। पराठे ना वो लोग देसी घी में बनाते हैं तो हैवी बहुत होते हैं। ये मॉर्निंग का टाइम है, बज रहे हैं 10 और ये बच्चे उठ चुके हैं। उठते के साथ ही यहाँ पर इनकी खेलना कूदना शुरू हो गया है और बड़ा अच्छा लग रहा था। बच्चों को भी छुट्टी करके गए थे, तहजीब का तो यूटी था और उसे जाना था, तो अपना यूटी भी कैंसिल कर गए कि नहीं मुझे जाना है बुलफुप्पी के साथ, बुलफुप्पी के पास जाना है। तो बस यहाँ पर है ये बुलबुल की बालकनी से आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, व्यू दिखता है, बहुत सुंदर लगता है, माशाल्लाह बहुत प्यारा लगता है। कि सामने इनके यहाँ किसी की कोठी है, वो लोग कभी यहाँ मुझे दिखे तो नहीं है जब भी हम आए हैं, बस सर्वेंट्स ही दिखते हैं उनके। और बस वहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था ना, इतना हल्का फुल्का लग रहा था ना। एक तो पोल्यूशन नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है दिल्ली के अंदर, तो बाप रे बाप, बस यही सब कुछ है। टेंशन, पोल्यूशन, पॉपुलेशन, जितना बड़ा शहर उतनी ज़्यादा टेंशन है। वहाँ जाके नहीं पता चलता क्या टेंशन क्या नहीं। ये है आयरा और इनायत कर रही थी डांस। इन्होंने बच्चों के लिए म्यूज़िक चला दिया था, तो वो लोग अपनी मस्ती में लगे हुए थे। बच्चों को भी बहुत मज़ा आ रहा था और हमें भी बहुत मज़ा आता। मुझे तो खैर बहुत मज़ा ही आता है जब भी मैं बुलबुल से मिलती हूँ, और कहीं भी हो बुलबुल, मुझे वहीं पे बहुत मज़ा आता है। ये बुलबुल ने हमारे लिए मंगाई थी भेलपूरी, बहुत टेस्टी थी, यम्मी थी नाश्ते के बाद, जबकि पेट इतना भरा हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने मंगा दी थी कि नहीं यहाँ की ये बहुत टेस्टी होती है। मैंने कहा था तो खा के बताओ, अच्छी होगी तो फिर मैं भी खाऊँगी, और वाकई में बहुत टेस्टी थी, मज़ा आ गया ऐसे खा के। उसके बाद हमारा लंच हो चुका था, कुछ मुझे ध्यान आया कि मैं चलो स्वीट को कैप्चर करते हैं। आप देख रहे सारे बर्तन वगैरह जो तो पड़े हैं, हम लोग उठा ही रहते एकदम से। गुड्डू ले आए गुलाब जामुन कि नहीं आके बहुत टेस्टी थे, खा के देखो। अब वाकई में सासनी की मिठाई A1 मिठाई, देख तो हर चीज़ प्योर होती है, देसी घी में बनी होती है। तो सचमुच में यहाँ पे दिल्ली में इतना टेस्ट नहीं है। मैंने मिठाइयाँ भी खाई हैं जो भी है, बट वहाँ का टेस्टी होता है। रात को हम लोगों ने पिया था कढ़ाऊ वाला दूध, तो वो भी इतना यम्मी था ना, कुल्हड़ वाला दूध जो लेकर आए थे शाम को, ये सब बड़ा मज़ा आया था खा पी।